गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई हाई इन्फो। आई एम ज्योतप्रीत। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे चैनल पे हम बात करते हैं आइल्स के रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल की। अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए जो आइल्स के रिगार्डिंग हो, जिसमें आपको कोई भी क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर चाहिए या फिर रीडिंग की किसी भी मॉड्यूल में आपको किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए या फिर आपको क्यू कार्ड का कोई सैम्पल आंसर चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, देन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। Today's topic of cue card is describe a teenager you know, and the bullet questions are who is he or she, how do you know this teenager, what this teenager likes to do, how you feel about this teenager. So सबसे पहले हमें इन चार questions का answer देना है. So let's start the sample answer. Here is the sample answer. There are numerous youngsters who resides in my vicinity. Vicinity का meaning है मोहल्ले में, इलाके में, मेरे जो मोहल्ला है, कॉलोनी है, उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स रहते हैं। न्यूमरस मीन्स मैनी। यंगस्टर्स आपको पता ही है, हु रिजाइड्स इन माई विसिनिटी, मेरे मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में बहुत सारे यंगस्टर्स रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं टीनेजर्स की बात कर रही हूँ, तो मेरा जो फोकस है वो यंगस्टर्स के ऊपर की बात कर रही हूँ मैं। एंड दे आर ऑल वेल एक्वेंटेड विद मी। वेल एक्वेंटेड मीन्स अच्छी जान पहचान, और मेरा उनसे अच्छा तालमेल है। One such teenager about whom I am going to talk right now is my cousin. ऐसा ही एक youngster, ऐसा ही एक teenager जिसके यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ, वो कौन है? That is my cousin. वो मेरा चचेरा भाई है। He is around 17 years और उसकी age जो, अब हम उसके बारे में बताएंगे कि उसके वो कैसा है, उसकी age क्या है, उसका interest क्या क्या है, और मैं उसको किस तरह से जानती हूँ। He is around 17 years. मैं उसकी उम्र तकरीबन बता रही हूँ, 17 ईयर्स के आसपास है। एंड इज़ द अपकमिंग सिंगर ऑफ आर होम टाउन, और वो हमारे कॉलोनी का होने वाला बहुत ही अच्छा सिंगर है। वेरी रिसेंटली, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन बड़ा ही अच्छा यूज़ किया है, इसको आप अपनी राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, स्पीकिंग में तो करोगे ही करोगे। वेरी रिसेंटली, बहुत ही जल्दी क्या किया उसने, अभी 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 की बात है। ही पार्टिसिपेटेड इन अ रियलिटी शो वेयर इन ही एमर्ज्ड अमंग द टॉप फोर। अभी अभी उसने क्या किया है, एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है जहाँ पे वो टॉप फोर में खड़ा हुआ है। एवर सिंस ही हैज बिकम डायनासोर ऑफ एवरीवन्स आईज। ये स्पीकिंग में बड़ा ही अच्छा एक्सप्रेशन यूज करते हो, या फिर राइटिंग में भी अच्छा यूज कर सकते हो। साइनस और क्या होता है, सबकी आंख का तारा होना, ये एक इडियम है। साइनस और ऑफ एवरीवन्स आईज, सबकी आंख का तारा, सबका दुलारा होना। तब से वो क्या हो गया है, जब से उसने रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है, तब से वो सबका हरमन प्यारा हो चुका है। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हिम इज अलमाइटी हैज ब्लेस्ड हिम विद मेलोडियस वॉइस। मेलोडियस होता है वंडरफुल वॉइस। सबसे जो बेहतरीन बात मुझे उसकी पसंद है वो क्या है, कि भगवान ने उसे बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी आवाज से नवाजा है। वेन एवर ही सिंग्स ही मेस्मराइजेस द ऑडियंस। मीनिंग ऑफ मेस्मराइजेस इज मदहोश कर देना। जब भी वो गाता है वो ऑडियंस को मदहोश कर देता है। राइट आफ्टर हिज बर्थ आई हैव वेरी नाइस बॉन्डिंग विद हिम एज ही वॉज वेरी क्यूट एंड अडोरेबल चाइल्ड। जब से वो पैदा हुआ है, जब से उसका जन्म हुआ है, मेरी उसके साथ बड़ी ही अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि वो बड़ा ही क्यूट, बड़ा ही प्यारा, अडोरेबल मीन्स बहुत ही प्यारा बच्चा था। आफ्टर अचीविंग द सेलिब्रिटी स्टेटस ही गिव्स लाइव परफॉर्मेंसेस इन वेरियस कॉन्सर्ट्स। जब से उसने सेलिब्रिटी स्टेटस अचीव किया है, इसके बाद वो लाइव परफॉर्मेंस देता है कॉन्सर्ट्स में। अनदर सेलियंट फीचर अबाउट दिस पर्सनैलिटी इज दैट He has come from a very humble background. अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, देखिए मैं कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन यूज नहीं कर रही जो सेम सेम ही से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर सेम सेंटेंस से मैं स्टार्ट नहीं कर रही। हर एक मेरी जो लाइन है वो अलग अलग, यहाँ पे मैंने whenever से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने right after से स्टार्ट की सेंटेंस, नेक्स्ट में स्टार्ट कर रही हूँ। another salient feature.
सो वो क्या होता है, आपकी जो स्पीकिंग होती है, आपकी जो वकैब होती है, वो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसमें वेरिएशन आ जाती है. तो इसी वजह से आप एक अच्छा स्कोर करते हो, एग्जामिनर को भी लगता है कि नहीं आप जस्ट एक ही लाइन में एक ही स्ट्रक्चर से नो नहीं हो, वेल एक्वेंटेड नहीं हो, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से घुमा के कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी, कंपाउंड सेंटेंस भी आप बना सकते हो. हाँ जी, अनदर सेलियंट फीचर, एक और प्रमुख विशेषता इस पर्सनैलिटी की क्या है, ही हैज कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड टुडे ही इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस. मैन ऑफ सब्सटेंस क्या है, एक इडियम है. एक और प्रमुख विशेषता इस पर्सनैलिटी की क्या है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा हम्बल, मीन्स होता है निमर, निमर बैकग्राउंड से आया हुआ है और ये आज बहुत ही अमीर व्यक्ति है. मैन ऑफ सब्सटेंस मीन्स अमीर व्यक्ति होना. इन स्पाइट ऑफ दिस, अब यहाँ पे मैं सेंटेंस इन स्पाइट से स्टार्ट कर रही हूँ, वैरायटी आ रही है मेरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में. इन स्पाइट ऑफ दिस ही इज डाउन टू अर्थ. इसके बावजूद, इतना अमीर होने के बावजूद भी ये व्यक्ति बहुत ही डाउन टू अर्थ, होना मीन्स बहुत ही विनम्र है, उसमें कोई भी किसी भी तरह की ईगो नहीं है. अदर देन दिस, इसके अलावा ही बिलीव्स इन इक्वालिटी. और ये बंदा क्या करता है, इसको इक्वालिटी में विश्वास रखता है. एंड नेवर डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट करना मीन्स भेदभाव करना, और कभी भी ये बंदा डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करता पीपल ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट एंड क्रीड. ये कभी भी लोगों के बीच कास्ट या फिर जाति पाति को लेकर कभी ये बंदा भेदभाव नहीं करता. वेर एवर ही गोज ही स्प्रेड स्माइल, वो जहाँ भी जाता है वहाँ पे हंसी बिखेर देता है. आई रियली फील कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मीन्स इम्प्रेस्ड होना. नॉट ओनली अबाउट हिज लुक, मैं सिर्फ ना उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जो आउटर लुक है उसकी तरफ से आकर्षित हूँ, बट ऑल्सो हिज नेचर, लव एंड रिस्पेक्ट टू द एल्डरली पीपल. ये कंपाउंड सेंटेंस है, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप दो सेंटेंस को कंबाइंड करते हो. मैं उस पर्सनैलिटी की तरफ, उस बंदे की तरफ ना सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी के लिए आकर्षित हूँ, बल्कि मुझे उसका नेचर, उसका प्यार या फिर बड़ों की तरफ जो रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है. आई प्रे टू द अलमाइटी दैट, मैं ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ही प्लेज अ लॉन्ग इनिंग्स. जैसे कि हम कोई मैच होता है उसमें बोलते हैं लॉन्ग इनिंग्स, लंबी पारी खेलना, उसी तरह से मैं दुआ करती हूँ कि वो जहाँ पे भी जाए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा अपना नाम कमाए. एंड आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दिस. जैसे कि आप बोल देते हो आई कीप माई फिंगर्स, कोई आपकी बात, विश आप चाहते हो कि सच हो जाए, तो उसके लिए आप करते हो आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दिस. तो उसी तरह से मैंने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे भी यूज़ किया है. जब ऐसा आप कोई एक्सप्रेशन यूज़ करते हो ये बड़ा ही नेचुरल लगता है, क्योंकि हम जब कुछ ऑल ऑफ सडन बोलते हैं, बड़ा ही नेचुरल हमारा जो स्पीकिंग होता है उसमें हम ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं. सो इसे आप अपने स्पीकिंग में यूज़ करके बड़ा ही नेचुरल सा इंप्रेशन क्रिएट करके अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो. सो आई होप गाइस, मेरा आज का ये क्यू कार्ड आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपको ये मेरा क्यू कार्ड पसंद आया तो इसे आप स्पीकिंग में ट्राई कीजिए, और मुझे बिल्कुल यकीन है आपका बड़ा ही अच्छा बैंड स्कोर आएगा. तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी बता सकते हो आगे आपको किस तरह के क्यू कार्ड्स या फिर आइल्स में आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, राइटिंग में आपको कोई एसे या फिर लेटर या फिर आपको पाई चार्ट्स वगैरह जो आपको चाहिए होते हैं, तो उस वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई थिंक आपको अब सब्सक्राइब कर लेना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.